हेलो एंड वेलकम टू 40 प्लस एकेडमी। बच्चों, मैं विवेक पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज चालू करने वाला हूँ। जो भी बच्चे मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चों, उनके सिलेबस में सेमेस्टर 3 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, ये सब्जेक्ट है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा बच्चों, मतलब वही चीज सिखाऊंगा जो आपके काम की है। जैसे कि फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूला को यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व होता है और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और बीच बीच में कोई ऐसा कंसेप्ट आएगा जो आपके लिए हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों, तो उन कंसेप्ट को भी मैं बताऊंगा। मतलब अपना अल्टीमेट एम इस लेक्चर सीरीज में यह है कि हम अपने क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, अगर हम ये पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं। तो इससे बेटर आपके लिए बच्चों कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का। ऐसे ही आने वाले दिनों में बाकी लेक्चर्स भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप घर बैठे अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज का पहला लेक्चर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों, जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं पहले लेक्चर में, दैट इज नथिंग बट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बच्चों, स्ट्रेस आप जानते हो, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा होता है स्ट्रेस, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेन बच्चों, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ और एल का मतलब होता है बच्चों ओरिजिनल लेंथ। फिर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपने अपने लोअर लेवल में पढ़ा था कि एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो ये फॉर्मूला यूज करने पे मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको कभी भी इंजीनियरिंग में जो भी चीजें दी रहेंगी डायमीटर के टर्म्स में दिया होगा, रेडियस के टर्म्स में नहीं दिया होगा। तो आप बिना मतलब कन्वर्ट करते बैठेंगे डायमीटर को रेडियस को, हाफ डिवाइड करेंगे टू से डायमीटर को तो आपको रेडियस मिलेगा। इससे अच्छा आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करें, अपने कैल्सियम में पुट करके आप एरिया की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला बच्चों हुक्स लॉ का फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को बच्चों स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ये तीन फॉर्मूला आज के लेक्चर में आपका पूरा काम कर देगा। और अगर आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से 10-15-20 मिनट देखते हो बच्चों, तो उसमें आपका 2 से 4 मार्क्स का कवर हो जाएगा आपके डिप्लोमा और डिग्री के एग्जाम का। तो बच्चों काफी ध्यान से देखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चों का प्रश्न, आप लोग का प्रश्न कहीं गलत होता है क्वेश्चन, तो ये जगह है, दिस इज द प्लेस वेर स्टूडेंट कमिट्स अ वेरी सिली मिस्टेक, बट वी हैव टू नलिफाई दैट, वी हैव टू रिमूव दैट। सो गाइस, रिमेंबर वन थिंग, 1 kN कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग 10³ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिखा है, जैसे कि अगर 5 kN आपको आ गया बच्चों, तो 5 kN को आप लिख सकते हो 5000 N, मतलब आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये 5000 N बन जाएगा। अब आते हैं mm पे, 1 mm अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर में बच्चों, तो याद रखना ये 10⁻³ होता है, 1 mm इज 10⁻³। और एक चीज मैं बता देता हूँ, 1 m ये आप चौथा लिख लीजिए चाहिए तो, तीसरा फॉर्मूला है, चौथा मैं बता देता हूँ, 1 m बच्चों इज 1000 mm। तो अगर आप एग्जांपल देखोगे तो किसी ने अगर बोल दिया 5 m कितना होगा, आग बंद करके उनको बोल देना 5000 mm होगा,
टेंशन मत लो, जो बताता हूं उतना करो बस। फिर बच्चों ये आपको बहुत जगह मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग बहुत छोटा सा मिस्टेक कर देते हो, आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हो। तो याद रखना, कभी भी जीपीए दिखा क्वेश्चन में तो उसको कन्वर्ट किया करो। जीपीए को आप कभी भी कन्वर्ट करोगे एमपीए में, कैसे? 10:3 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन में 200 जीपीए दिया है तो आप उसको जीपीए पे नहीं रखोगे भाई, आप जीपीए को कन्वर्ट कर दोगे 200 × 10³ से मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी वैल्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको 300 जीपीए दिया है बच्चों, तो आप उसको लिख दोगे 300 × 10³ MPA। ठीक है, तो ये जीपीए और एमपीए कन्वर्जन होता है, तो हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमको यूज होता है। इतनी चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो आप काफी अच्छे से चैप्टर वन का, टाइप वन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप वन के क्वेश्चन को लेके मैं दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा बच्चों। आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन हो जाएगा और लेक्चर टू में एक क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको काफी अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। सो वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आप। स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर, एक स्टील का रॉड है जिसका डायमीटर 25 mm है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते बच्चों। देखिए, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से जाओगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस रिमेम्बर वन थिंग, द ट्रिक द मेथड आई विल टीच यू, यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड इन योर एग्जाम, देन यू विल नॉट फेस एट ऑल एनी प्रॉब्लम। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर दिया है बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग डेटा लिखते हैं। डेटा लिख दो, किसी बच्चे को गिवन पसंद है तो गिवन लिख दो, या फिर और कुछ लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। हाँ, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी यूज मत कर देना एग्जाम में। स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर, दैट मीन्स योर डायमीटर इज गिवन एज बच्चों 25 mm। नेक्स्ट डेटा है बच्चों लेंथ एंड 2 मीटर लॉन्ग, मतलब कैपिटल एल बच्चों, ओरिजिनल लेंथ बोला है। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, इसको एक्सियल पुल को सब्जेक्ट किया है बच्चों, जरा ध्यान से देखते जाओ। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 45 kN। 45 kN बच्चों, ये जो वैल्यू दी, दिस इज वैल्यू ऑफ पी, पी इज इक्वल टू 45 kN। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बोला है लोड कभी भी, देख लो अगर आपको याद ना हो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से एक नोट लिखा है, रिमेम्बर बच्चों ये याद कर लो, ऑलवेज कीप लोड इन न्यूटन। लोड आपको न्यूटन में रखना है, और एल मतलब लेंथ होता है, बी मतलब ब्रेथ होता है, डी मतलब डायमीटर होता है या फिर डेप्थ बोलो, आर मतलब रेडियस होता है, टी मतलब थिकनेस। ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज को आप एमएम में रखोगे। इसमें रखोगे बच्चों एमएम में, अगर ये मीटर में है तो आप इनको एमएम में कन्वर्ट करोगे। तो ये बात दिमाग से अच्छे से याद कर लो, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो, तो मैंने आपको लिख दिया है 45 kN आपके सामने दिख रहा है, तो इस 45 kN को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो हम इसको किलो न्यूटन में नहीं रख सकते। तो आप जानते हो मैंने आपको ऊपरी कन्वर्जन बताया, तो ये 45 × 10³ N हो जाएगा, जिसको मैं 4, 5, 10³ मतलब आगे 3 0 लगा दे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन। ये लेंथ मैंने बोला एमएम चाहिए, तो 2 के आगे बच्चों 3 0 लगा दो। मीटर है तो किसी कोई भी नंबर है, समझो आपके पास 70 mm है, तो क्या करने का बच्चों, 70 के आगे 3 0 लगा दो, बस आपका वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीटर हो गया, ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं। देखो मैंने बोला था लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ या फिर डायमीटर बोल दो, डायमीटर, रेडियस, थिकनेस, विड्थ, इन सब चीजों को आप एमएम में रखोगे, उसको कन्वर्ट नहीं करोगे। एमएम में था तो मैंने कर दिया, लेकिन लेंथ जो मेरा था वो मीटर में था, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डेटा दिया है बच्चों?
ये देखो E इज इक्वल टू 200 GPA दिया है, मैंने वो ऊपर ही कन्वर्जन में आपको बताया था GPA हमको नहीं चलेगा, गोकुल धाम प्रीमियर एकेडमी प्रीमियर लीग हमको नहीं पसंद है, हम लोग यहाँ पे 200 के आगे 10^3 लगा देंगे, तो ये मुंबई प्रीमियर लीग बन जाएगा बच्चों, MPL MPA बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, ये इतना ही डेटा आपको दिया है, और आपको टू फाइंड जरा देख लो एक बार, टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो टू फाइंड में आप अपने क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज आपको जो निकालने के लिए बोली गई है बच्चों, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को आप जानते हो सिग्मा से डिनोट करते हो, और जो दूसरी चीज है बच्चों स्ट्रेन, उसको आप ई से डिनोट करते हो, स्मॉल ई से, और ये जो तीसरी चीज है ये एलोंगेशन बच्चों, डेल्टा एल, याद रखो एलोंगेशन हो या फिर एक्सटेंशन हो, इन सब चीजों को हम बच्चों डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ को भी डेल्टा एल बोलेंगे, डिक्रीज इन लेंथ को भी डेल्टा एल बोलेंगे, तो इतनी चीजों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, डेल्टा एल भी हमको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर ही बता दिया है, वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है बच्चों हमको, सिग्मा का फॉर्मूला जो होता है वो पी अपॉन ए होता है, तो पी की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 45 के आगे 30, लेकिन एरिया नहीं पता, इसलिए सबसे पहला काम आप एरिया निकाल लोगे, एरिया का फॉर्मूला पता है पाई बाय 4 d का स्क्वायर, ये कैपिटल डी लिया है तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखो, स्मॉल डी मत लिखो, ओके। ये कैपिटल डी जब हमने डेटा में ले लिया तो कैपिटल डी ही लिखने का इसको, ओके। सो आप यहाँ पे अभी अपनी वैल्यूज पुट कर दो, सो गाइस हियर यू आर गोइंग टू गेट पाई बाय 4 into d का स्क्वायर, व्हाट इज d का स्क्वायर, डायमीटर, डायमीटर आप देखो ऊपर ही लिखा है 25 दिया है, 25 का स्क्वायर, तो आपको बच्चों एरिया मिल जाएगा, और आपका जो एरिया आएगा इसको कैलकुलेशन कर लोगे आप कैलसी में, तो यू विल गेट 490.88 mm स्क्वायर, डायमीटर का यूनिट mm था बच्चों, इसलिए एरिया का यूनिट mm स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 490.88 आप पुट करोगे बच्चों, तो आपको सिग्मा का आंसर मिल जाएगा जो कि स्ट्रेस है, तो ये आंसर आएगा आपको 91.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिट होगा बच्चों, क्योंकि लोड आपका न्यूटन में है और डायमीटर आपका बच्चों mm स्क्वायर में, तो ये आपका स्ट्रेस आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला अगली वैल्यू जो हमको फाइंड करने बोली है दैट इज स्ट्रेन, ई ई निकालने बोला बच्चों, तो आप जानते हो एक फॉर्मूला ई निकालना है आपको, तो ई का फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन सबसे पहले तो आपको डेल्टा एल निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं आपको डेल्टा एल कैसे निकालते ये बता देता हूं। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है पीएल अपॉन ए ही बच्चों, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है पीएल अपॉन ए ही, एलोंगेशन इन लेंथ का फॉर्मूला पीएल अपॉन ए ही होता है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 45000 दिया है, एल की वैल्यू 2000 है, सब डेटा जरा एक बार देख लो आपको समझ जाएगा, पी की वैल्यू 45000 है, एल का वैल्यू 2000 है, ई का वैल्यू 200 × 10^3 है, बस ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पुट करना है, ये एल की वैल्यू 2000 है, एरिया आपने अभी अभी निकाला 490.88, और जो आपकी ई की वैल्यू बच्चों वो 2 × 10^5, तो आपको यहाँ पे डेल्टा एल मिल जाएगा, तो ये डेल्टा एल की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको 0.9167, और देख रहे हो आप ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट तो आपको पता ही है, हमने लेंथ को किसमें रखा है mm, ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया लेंथ, क्योंकि ये देखो ये जो लेंथ की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी ये 2000 mm था, तो आपको चेंज इन लेंथ भी mm में मिलेगा, तो डेल्टा एल आपको मिल गया, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और कैपिटल एल की वैल्यू 2000 है, बस जैसे ये डिवाइड होगा आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर दो आपको 4.58 × 10^-4,
ये स्मॉल ई। अब आप सोचोगे सर इसका यूनिट बता दो, तो बेटा ये स्ट्रेन होता है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती बच्चों, नो यूनिट, यहां पे कभी भी यूनिट नहीं लिखते। ओके, सो ये दिस इज व्हाट वी वांटेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये फर्स्ट चीज हमको स्ट्रेन चाहिए था, सेकेंड, और हमको थर्ड चाहिए था एलोंगेशन। तीनों चीज हो गया बच्चों। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर इट विथ ऑल योर डिप्लोमा स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन दे कैन ऑल्सो इजिली एक्सेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसका ही सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका पूरे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।